करने आए हैं या खर्च करने आए हैं दोस्तों। लेकिन निवेश की जब बात करते हैं कि लोगों को अपने समय को निवेश करना है, तो मुझे जान के बहुत आश्चर्य होता है कि हर व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि सही तरीके से निवेश कैसे किया जाए। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था में समान रूप पर होता, समान स्तर पर होता, समान इनकम पर होता, समान स्टेटस पर होता। हर व्यक्ति अपने समय को बेहतरीन तरीके से निवेश करता है। Yes or no? Yes! आज से 20 साल पहले कुछ 10-20 परिवार के लोग मिले, उनके माता पिता मिले और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इसलिए हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे कि बेहतर निवेश कैसे किया जाए। एक परिवार के पिता ने कहा, जो बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत अनुभव था उनको जीवन का, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने जीवन में 20 वर्ष, हर व्यक्ति के पास 1-1 करोड़ रुपया था, उन्होंने कहा था 20 वर्ष के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, आपको बैंक में डिपॉजिट करने के बाद एक अच्छा हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और पैसे का कोई रिस्क भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, उस व्यक्ति ने निवेश कर दिया। दूसरे के पिता ने कहा बैंक में निवेश मत करना, इससे अच्छा तो FD कर देना, FD करोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। किसी दूसरे व्यक्ति के पिता ने कहा कि FD मत करना, अगर करना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करना। किसी के पिता ने कहा अगर निवेश करना है तो गोल्ड खरीद लेना, क्योंकि गोल्ड से बढ़िया कोई निवेश नहीं है, इक्विवेलेंट टू कैश होता है। किसी के पिता ने कहा कि गोल्ड में क्या होगा, वो तो रखा रहेगा, इससे अच्छा तो व्यापार में निवेश कर। किसी के पिता ने कहा कि जमीन में निवेश करना, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पैसे को अलग अलग तरीके से निवेश किया। हर व्यक्ति ने अपनी योग्यता, अपनी गुणवत्ता, अपनी समझदारी, अपनी मानसिकता के अनुसार, अपने पास्ट परफॉर्मेंस के अनुसार अपने पैसे को निवेश किया। Yes or no? Yes! जब हर व्यक्ति ने निवेश किया तो हर 20 साल बाद जो रिजल्ट आया वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। जिस व्यक्ति ने बैंक में निवेश किया उसका पैसा 20 साल में 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो भी आगे बढ़ रही है। लेकिन 20 साल बाद जो वैल्यू 1 करोड़ की थी वो वैसे ही लगभग 2.25 करोड़ की हो गई। वास्तविकता में उस समय भी वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा था और आज भी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर आगे बढ़ती है, आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति ने जिसने FD की थी उसके वो 1 करोड़ रुपए लगभग 3.25 करोड़ रुपए हो गए। ठीक उस तरह से दो लोगों ने गोल्ड खरीदा था, एक ने गोल्ड को सॉलिड रूप में खरीदा और एक ने गोल्ड को ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी में खरीदा। जिसने सॉलिड खरीदा था उसका वो गोल्ड 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया, जिसने ज्वेलरी खरीदी थी उसका गोल्ड केवल 4.5 करोड़ का हुआ। क्योंकि आप जानते हैं जब ज्वेलरी बेचेंगे तो मेकिंग चार्ज कट जाएगा। एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 करोड़ की हो गई, और एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी उसकी वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ से बढ़कर केवल 7 करोड़ की हो पाई, और एक और व्यक्ति ने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसकी प्रॉपर्टी लगभग 1.5 से 2 करोड़ की हो पाई। एक व्यक्ति जिसने शेयर में निवेश किया था उसके शेयर की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई और वो लगभग बढ़ के 200 करोड़ के आसपास हो गई। एक व्यक्ति ने जब शेयर में निवेश किया था तो उसके शेयर की वैल्यू 0 हो गई, वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन यहां देखा जाए तो हर व्यक्ति ने बेहतर तरीके से निवेश करने के सिद्धांत को अपनाया था। हर व्यक्ति ने अपने पैसे को अच्छी जगह निवेश किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सभी के रिजल्ट अलग निकले। क्योंकि फ्रेंड्स, आप वर्तमान को तो डिसाइड कर सकते हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भविष्य में उस चीज की कीमत क्या होगी।